नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरों देखते हैं विस्तार से। यशोदा के लाल और भगवान विष्णु के आठवें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। हर साल की तरह इस बार भी पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मना रहा है। इस बार इस त्योहार को दो दिनों तक मनाया जा रहा है। कुछ हिस्सों में रविवार को इसे मनाया गया, हालांकि अधिकतर हिस्सों में आज ही इसका जश्न मना रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत कई बड़े नेताओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। कर्नाटक निकाय चुनाव के नतीजे आज आएंगे। 102 शहरी निकाय सीटों पर मतों की गिनती शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। यही वजह है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच कांटे का मुकाबला है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद में हंगामे को लेकर नाखुशी जाहिर की और कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सभी पार्टियों के सांसदों को एकजुट होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान किया कि वे अपने सदस्यों के लिए सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह के लिए आचार संहिता पर सर्वसम्मति बनाए। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के गांव में आतंकियों के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बल वहां तलाशी अभियान चला रहा है। सोमवार की सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से 19 से अधिक गांवों को खंगाल रहे हैं। माना जा रहा है कि इन गांवों में आतंकी छिपे हुए हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सैन्य अधिकारियों ने उन्हें रक्षा तैयारियों और घुसपैठ निरोधी ग्रेड के बारे में जानकारी दी। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सीतारमण के साथ सेना प्रमुख बिपिन रावत भी दौरे में साथ थे। बाढ़ का प्रकोप झेलकर उभर रहे केरल के सामने नई चुनौती आकर खड़ी हो गई है। केरल में खतरनाक बीमारी रेड वायरस ने दस्तक दी है। बीमारी कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 20 अगस्त से अब तक रेड फीवर के कारण 43 लोगों की जान जाने की बात कही गई है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 9वें दिन रविवार को अपनी वसीयत जारी की। वह अपने समुदाय के लिए आरक्षण और किसानों की ऋण माफी की मांग को लेकर अनशन पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी ताकत से बचाव में उतर आए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बता रही है। भारत आगामी 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिका को अवगत करा सकता है कि वह मॉस्को के साथ सैन्य आदान प्रदान पर अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद S-400 ट्राइम्फ हवाई रक्षा मिसाइल तंत्र का बेड़ा खरीदने के लिए रूस के साथ 40,000 करोड़ रुपए के सौदे पर आगे बढ़ रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में भीषण आग लग गई। हालांकि अधिकारियों के अनुसार आग की घटना में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई जानकारी नहीं है। यह संग्रहालय ब्राजील के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।